हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप अच्छे होंगे गाइस। और गाइस, मैं आपके लिए लेके आया एक न्यू वीडियो। और वैसे न्यू तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने दो वीडियो पहले में बता दिया था, इसका मैंने जिक्र कर दिया था आपको, बट इन्फॉर्मेशन दे दी थी थोड़ी बहुत कि मेरी नेक्स्ट वीडियो ले आने वाली है टॉप 5 ईयरबड्स पे। और गाइस, टॉप 5 ईयरबड्स में बिल्ड क्वालिटी भी बताऊंगा गाइस, और बैटरी बैकअप भी बताऊंगा गाइस, कितना कितना है सब कुछ बताऊंगा गाइस। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना गाइस। गाइस, वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरह से देखना। मैं सारे कुछ बताऊंगा कि गाइस क्या कौन से बेस्ट हैं, कौन से मतलब लाने चाहिए, कौन से नहीं लाने चाहिए। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है गाइस? ज्यादा आपका कीमती समय नहीं लेते हैं, जल्दी से शुरू करता हूँ मैं वीडियो को। अब देखो यार, हर TWS का साउंड सिग्नेचर ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। लाइक किसी को ट्रू म्यूजिक चाहिए TWS ईयरबड्स से, एंड किसी को हैवी बेस पार्टी म्यूजिक पसंद है, और किसी की ओरिएंटेशन है कॉलिंग। अब यार, अगर आपका बजट 1000 रुपए और आप यार वीडियो में एट नंबर 5 आते हैं ट्रूक की तरफ से, ट्रूक बड्स S2 लाइट। यार ये जो ईयरबड्स है ना, लिस्ट के 5 ईयरबड्स में से सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप वाले। अब कोई ऐसा बंदा है ना जिसको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, वो ट्रैवलिंग ज्यादा करता है, उसके लिए बेस्ट हो सकता है ये। सबसे पहले लुक की बात करें यार, इन TWS ईयरबड्स का जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिकॉज ये और TWS की तरह नॉर्मली लिड से ओपन नहीं होते, जस्ट स्लाइड करना है आपको, एंड दोनों TWS सामने की तरफ मिल जाते हैं आपको। ओवरऑल जो बिल्ड है ना, प्राइस के हिसाब से एकदम ठीक है। स्पेसिफिकेशंस की बात करूं ना, तो आपको 10mm के टाइटेनियम ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टोटल क्वाड माइक सेटअप देखने को मिलता है जो कि ENC के साथ आता है। मीनवाइल आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मिल जाएगी, 48 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम मिलता है इन टोटल, जहाँ पर ऑन अ सिंगल चार्ज आप TWS को 5 to 10 hours यूज कर सकते हो। लाइक डिपेंड करता है आप किस वॉइस पे एंड किस काम में ले रहे हो। लाइक कॉलिंग में थोड़ा कम बैटरी बैकअप मिलता है, सॉन्ग्स वगैरह में थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। 10 मिनट्स की चार्जिंग में लगभग 2 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, बिकॉज टाइप सी फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है, IPX4 रेटेड है, तो वाटर स्वेट रेसिस्टेंस मिल जाती है। लाइक जिम वगैरह में यूज करते हो तो कोई इशू नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको गेस्चर कंट्रोल्स मिलेंगे इसमें, साथ ही साथ गेमिंग मोड मिल जाता है, सो दैट लेटेंसी थोड़ी कम हो जाती है उसमें। अब फाइनली आते हैं असली बातचीत पर, मीनवाइल साउंड क्वालिटी पर। तो इनका जो साउंड है ना, एक एवरेज साउंड आता है। देखो, फिटिंग कंफर्टेबली हो जाता है, आपको बाहर का साउंड नहीं आएगा जब आप ईयरबड्स को यूज करोगे। बट यस, जो साउंड है ना तो आपको ज्यादा हैवी बेस मिलेगा यहाँ पर, ना बिल्कुल कम मिलता है। लाइक ना तो ये म्यूजिक ओरिएंटेड है ना पार्टी ओरिएंटेड। एक जो बीच का सेगमेंट है ना, जिसको दोनों ही टाइप के म्यूजिक पसंद है, उनके लिए ठीक है। गाइस, ये ईयरबड्स फिक्स 1000 रुपीज पर आ जाते हैं, एंड इस प्राइस में डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हो। अगर आपको लाउड साउंड पसंद नहीं है, थोड़ा यूनिक ईयरबड्स चाहते हो, बैटरी बैकअप ज्यादा चाहते हो, इन वालों को चेकआउट कर सकते हो। Now guys, here comes the fourth one, which is Noise Buds VS201. इस वाले एडिशन की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें कंप्रेस्ड मिलती है, लेकिन कई चीजें काफी अच्छी मिल जाती है। देखो, सबसे पहले लुक की बात करूँ, आपको बेसिक मैग्नेटिक ओपन लिड केस के साथ मिलते हैं ये। लुक वाइज काफी ठीक है, एक लॉन्ग वाले ईयरबड्स है जिनको लॉन्ग वाले पसंद है। आपको यहाँ पर ड्यूअल इक्वलाइजर ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ आते हैं, IPX5 वाटर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअली दोनों ईयरफोन्स में माइक मिल जाएंगे, और जो बैटरी बैकअप है ना, वो थोड़ा कम मिलता है। इन टोटल 10 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है आपको, जहाँ पर ऑन अ सिंगल चार्ज 4.5 आवर्स चलते हैं। बट वेरी करता है क्या चीज कर रहे हो ईयरफोन से। आपको एडिशनली बैटरी बैकअप 9.5 आवर्स का मिलता है विद द केस, इन टोटल 14 आवर्स का बैटरी बैकअप आता है। आपको यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, फुल गेस्चर कंट्रोल्स के साथ ही आते हैं, यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं है। बट इनका जो साउंड है ना, वो इतना ज्यादा लाउड नहीं है। लाइक 6mm के स्पीकर ड्राइवर्स है, जिसको ट्रू म्यूजिक पसंद है ना, लाइक उसको वोकल से मतलब है, हैवी वेट से कोई मतलब नहीं है, वोकल्स उसको अच्छे चाहिए या कॉलिंग कन्वर्सेशन आप अच्छी चाहते हो, देन उन लोगों के लिए डेफिनेट मैं इनको रिकमेंड करता हूँ। बट जिनकी नीड पार्टी म्यूजिक या हैवी बेस वाला म्यूजिक पसंद है, वो मत लेना इनको। बाकी लास्टली, बिकॉज लॉन्ग डिजाइन के साथ आते हैं, तो कॉलिंग पर्पस के लिए सबसे बेस्ट ईयरबड्स है ये, साथ ही साथ ट्रू म्यूजिक लवर्स के लिए। प्राइस की बात करूँ, 1000 से 1100 रुपए के आसपास आते हैं। इनका प्राइस काफी वेरी करता रहता है, बट इस प्राइस में आपको मिल जाए। थर्ड वन, विच इज P-Tron बेस बड्स डुओ। यार ये जो ईयरफोन्स है ना, 1,62,000 की तो सिर्फ रेटिंग है इनकी अमेजोन पे, तो सोचो यार बिके कितना होंगे। यहाँ पर आपको 13mm के लार्ज डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलता है, प्लस मोनोपोड फीचर भी मिल जाएगा। लाइक आप चाहो तो एक डिवाइस भी कनेक्ट हो सकता है। 32 आवर्स का इन टोटल बैटरी बैकअप मिलता है। डिजाइन काफी ज्यादा एर्गोनॉमिक है, बाकी TWS से एकदम डिफरेंट है। हाथ में लेने में आपको थोड़ा अजीब सा लगे, लाइक ईयरबड थोड़ा बड़ा है, बट कंफर्टेबली फिट हो जाते हैं आपके कान में। चार्जिंग टाइम की बात करूं, 1 to 1.5 आवर्स में फुल चार्ज हो जाते हैं। USB टाइप सी पोर्ट के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको पैसिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाएगी, कॉलिंग के अंदर IPX4 की वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस आती है। कलर्स यहाँ पे काफी सारे हैं, स्पेशली मेरे को जो पसंद आया वो ब्लू वाला है, काफी ज्यादा रिच एंड रॉयल लुक देता है। बात करें ओवरऑल बिल्ड एंड साउंड क्वालिटी की, तो देखो बिल्ड वाइज नो डाउट काफी अच्छे हैं, कोई इशू नहीं लगा मेरे को इनमें। आपको गेस्चर कंट्रोल्स भी मिलते हैं, बट जो साउंड है ना, वो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा लाउड मिलता है। अगर किसी को ट्रू म्यूजिक ओरिएंटेड ईयरबड्स लेना है, बिल्कुल मत लेना इनको। किसी को अगर कॉलिंग आपका पर्पस है, उसमें जरूर आपका काम चल जाएगा, बट जो साउंड है ना इनका, वो काफी ज्यादा लाउड एंड क्रिस्पी है। लाइक 100% वॉल्यूम पर तो आप शायद सुन ही नहीं पाओ इनका साउंड। बाकी यस, जिसको हैवी बेस एंड पार्टी म्यूजिक पसंद है, डेफिनेटली इन वालों को परचेस कर सकते हो। प्राइस की बात करूं, 799 रुपीज में आ जाते हैं। अगर 800 रुपए में आपको मिलता है, डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा
आप इनको आंख बंद करके परचेस कर सकते हो। Now guys, here comes the second one, which is Jabronix Jab Sound Bomb. यार ये जो TWS है ना, कुछ कमी बट काफी सारी अच्छाइयों के साथ आते हैं। देखो सबसे पहले इनका लुक एकदम डिफरेंट है, राउंड शेप की डिबिया हमें देखने को मिल जाते हैं आपको, काफी प्रीमियम लिड के साथ आते हैं। यहाँ पर लिड की क्वालिटी काफी ठीक है, इवन जो केस है ना पूरा मैट फिनिश में आता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं इसके। आपको चार्जिंग LED इंडिकेटर्स मिलते हैं केस के, लेफ्ट राइट इंडिकेशन मिल जाते हैं, एंड एक स्ट्रैप मिलता है जिसके थ्रू आप इसको लटका के कहीं भी ले जा सकते हो। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है, बट यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो आपको ओनली ऑन 12 आवर्स का मिलता है ऑन 50% वॉल्यूम। लाइक अगर आप 50% वॉल्यूम पर चलाओगे ना, तो आपको टोटल 12 आवर्स का मिलता है इंक्लूडिंग केस। एंड जो ड्राइवर्स हैं वो 6mm के आते हैं, बट यार ट्रस्ट मी, ड्राइवर्स भले ही 6mm के हों लेकिन साउंड ठीक ठाक लाउड आता है इनका। पीट्रॉन जितना नहीं है, थोड़ा बहुत कम है, लेकिन हाँ लाउड है। नॉइस की जैसे दबा हुआ नहीं है, उससे काफी लाउड है। यहाँ पर भी आपको एकदम ट्रू वोकल्स देखने को मिलते हैं, लाइक जिसको क्रिस्पी म्यूजिक पसंद है ना, उसके लिए काफी अच्छे है ये। आपको TWS के साथ कैस्चर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एंड काफी छोटे साइज में आते हैं, बट इनका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है ना वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं आता, लेकिन हाँ आपका काम चल जाएगा। स्वेट एंड वाटर रेसिस्टेंस आते हैं, लगभग 900 रुपए के आसपास आ जाते हैं। Now guys, here comes the last one, which is Bolt Audio True Buds. ये जो ईयरबड्स है ना, ओवरऑल मेरे को एक बेस्ट परफॉर्मिंग ईयरबड्स लगे। आपको यहाँ पर 1000 रुपए की प्राइस रेंज पे काफी सारी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। देखो ये लॉन्ग टिप के साथ नहीं आते, बेसिक छोटे वाले ईयरबड्स हैं ये, कान में इजिली फिट हो जाते हैं, कम्फर्ट में कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल काफी प्रीमियम लगती है, मैट फिनिश में आते हैं, केस के ऊपर आपको चार्जिंग इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। दोनों ईयरबड्स में आपको गेस्चर कंट्रोल्स मिल जाएंगे, बाकी ये जो ईयरबड्स हैं मोनोपोर्ट फीचर को भी सपोर्ट करते हैं, आप सिंगल सिंगल भी यूज कर सकते हो इनको। बाकी टाइप सी पोर्ट है इनके, फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं, 10 मिनट्स में 100 मिनट्स की चार्जिंग कर देंगे, साथ ही साथ इन टोटल 30 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम मिलता है। जहाँ पर ऑन अ सिंगल चार्ज ये ऑफर करते हैं 7.5 आवर्स का इन टोटल बैटरी बैकअप। बाकी आपको यहाँ पर IPX7 की वाटर प्रूफ रेजिस्टेंस मिल जाती है, एक पानी में गिर भी गए ना 1 मीटर तक, तो 30 मिनट तक इन ईयरबड्स को कुछ नहीं होगा। वेट भी इनका काफी लाइट आ जाता है। अभी इस असली चीज की बात करें ना, विच इज साउंड क्वालिटी, आपको साउंड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से ग्रेट मिलती है। यहाँ पर एक लाउड म्यूजिक नहीं मिलता, लेकिन हाँ बेस काफी अच्छी मिलती है, बिल्कुल भी साउंड फटती नहीं है, एक ट्रू साउंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। साथ के साथ इनकी जो कॉलिंग है ना, शॉर्ट ईयरबड्स हैं ये, लेकिन फिर भी कॉलिंग एक्सपीरियंस मेरे को काफी ठीक लगा। ओवरऑल यार प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली वर्थ इट है, 1100 रुपए की प्राइस। वीडियो तो देख ही नहीं होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो गाइस। अगर आप सब्सक्राइब ठोक चुके हो तो गाइस लाइक ठोक दो, और गाइस आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो गाइज आपका वेलकम है, सब्सक्राइब ठोक दो। तो गाइज आप लाइक तो ठोक ही दो गाइज, इतने लाइक ठोक दो क्या दो। मैं भी सोच रहा है, मेरे लाइक जाते हैं, एक दो लाइक आता है गाइज, सब्सक्राइबर मेरे 2-3 सब्सक्राइबर हैं। लेकिन गाइज मेरा भी मन करता है कि मतलब मैं भी ट्रेंड करूँ गाइज। मैं भी सोचता हूँ यार, मैं कभी सो के उठूँ और उठते ही मैं देखूँ मेरे सब्सक्राइबर। गाइज सुबह उठते ही ना, पहले बहुत मुँह नहीं धोता गाइज, कुछ नहीं करता, मैं मोबाइल उठाता हूँ टेबल से, चश्मा लगाई गाइज, हाँ चश्मा लगाता हूँ, लेकिन अभी नहीं लगा के चश्मा लगाई, और चेक करता हूँ सब्सक्राइब बढ़े या नहीं बढ़े, वीडियो क्या ग्रो कर रही है क्या कुछ नहीं। मतलब अगर मेरे को, मैं भी ये सोचता हूँ गाइस, कभी मैं सोऊँ और सुबह उठूँ, उठते ही मैं देखूँ कि मतलब वाह यार, मतलब ओ माय गॉड क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं ऐसे चुट्टी मुट्टी काटूँ गाइस, कि सपना तो नहीं देख रहा हूँ गाइस। हाँ तभी तो, और कमेंट में बता दो गाइस, मैं कमेंट में, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मत करो, लेकिन गाइस कमेंट में एक हार्ट भेज देना गाइस प्यारा सा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।